सोलन में जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो शहर में पीने के पानी की हमेशा कमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार नगर परिषद दावा कर रही है कि बरसात के मौसम में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि सोलन में मुख्यतः गिरी नदी और अश्विनी घाट से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता है तो इन नदियों में सिल्ट आ जाती है और इसी सिल्ट की वजह से उठाऊ पेयजल योजनाएं बंद हो जाती हैं, जिसके चलते पानी की सप्लाई नहीं होती है, परिणाम स्वरूप जिला में पानी की कमी हो जाती है। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि ये अक्सर देखा गया है कि बरसातों में नदी में गाद आने की वजह से उठाऊ पेयजल योजनाएं बंद हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लिए नगर परिषद ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि नदी में अगर सिल्ट भी आ जाती है तो उससे निपटने के लिए नगर निगम ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जिसकी वजह से अश्विनी खड्ड और गिरी नदी में चल रही उठाऊ पेयजल योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जिला में पानी की कमी नहीं होगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बरसात के सीजन में पानी की हमें हर साल कमी होती है, हर साल परेशानी होती है, सिल्ट जमा होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन इसके लिए भी इस वर्ष हमने भरसक प्रयास करने की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से जो पानी की सप्लाई हो वो बाधित ना हो और लोगों को पानी मुहैया हो।